हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोस्केट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। फ्रेंड्स, मेरी सोच है हमारे स्केटर्स अच्छे प्लेयर बने, चैंपियन बने, पर साथ ही अच्छे इंसान बने। फ्रेंड्स, मैं एक कहानियों की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। हर कहानी में एक मैसेज है जिसको सुनकर स्केटर्स उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की कहानी, एक आदमी फैक्ट्री में काम करता था, बहुत ईमानदार आदमी था, बहुत मेहनत करता था। एक दिन जब छुट्टी का टाइम था, वो आदमी फैक्ट्री के फ्रीजर रूम उसमें किसी काम से गया और अंदर ही बंद हो गया, रूम अंदर से लॉक हो गया। उसने दरवाजा खटखटाया, छुट्टी का टाइम था, सारे वर्कर्स फैक्ट्री से जा चुके थे और वो आदमी अकेला रूम में फंस गया। वो फ्रीजर रूम था, उसमें टेम्परेचर माइनस में रहता था। उसको दिख गया कि अब मेरी डेफिनेटली मौत सामने आ गई है। फ्रेंड्स को बहुत डर गया कि लगभग एक से डेढ़ घंटे में वो पक्का मर जाएगा। उसको बहुत डर लगा। उसने उस समय भगवान को याद किया है, भगवान अगर मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया तो आप मेरे को प्लीज इस मुसीबत से बचाइए। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं घर में कमाने वाला अकेला आदमी हूँ। इस बात को लगभग 15 से 20 मिनट हो गए और उसका शरीर जमना शुरू हो गया। अब उसे पक्का लगा कि वो पक्का मर जाएगा। अचानक आधे घंटे बाद फ्रीजर उनका दरवाजा खुलता है और सिक्योरिटी गार्ड जो उस कंपनी का है वो भाग के आता है और उस आदमी को सपोर्ट देकर फ्रीजर उनसे बाहर ले जाता है और उसको हीटर के पास बैठाता है, उसको कंबल देता है। लगभग आधे घंटे बाद वो आदमी कुछ नॉर्मल होता है। उससे पूछता है कि भैया आपको कैसे पता लगा कि मैं फ्रीजर रूम में फंस गया हूं? उस पे चौकीदार ने जो बात बोली ना, सुनकर उस आदमी के आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला, साहब इस फैक्ट्री में इतने लोग काम करते हैं, किसी के लिए मैं जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोग मेरे पास से निकलते आते हैं और जाते हैं, मेरे को नोटिस ही नहीं करते। अकेले आप हैं, सुबह आते हैं, मुझे नमस्ते करते हैं, मेरा हाल चाल बोलते हैं, मेरे से हंस के बात करते हैं, शाम को जाते हैं तो मेरे से हंस के बात करते हैं, तो मेरे सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। साहब आप सुबह आए तो सही, मेरे से मेरा हाल चाल पूछा, मेरे से हंस के बात की, पर शाम को जाने की आपकी हाल चाल और नमस्ते की मैं वेट कर रहा था। जब आप नहीं आए तो मेरे को लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने आपको फैक्ट्री में ढूंढना शुरू किया तो लास्ट में मैं फ्रीजर रूम पहुंचा तो मेरे को पक्का था कि आप फ्रीजर रूम के अंदर ही हैं। ये सुनकर उस आदमी के आंखों में आंसू आ गए कि सिर्फ नमस्ते करना, हालचाल पूछना या हंस के बात करना आज उसकी जान बचा गया। स्केटर्स, मैं आपको इस कहानी से मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें हर किसी से प्यार से बात करनी चाहिए। अगर आपको कोई आदमी पसंद भी नहीं है ना, उसको आप गलत ना बोलिए, सिर्फ दूर से नमस्ते कीजिए और साइड हो जाइए। गलत बोलने की जरूरत क्या है, एक अच्छा बोलने से आदमी की जिंदगी बचती है। फ्रेंड्स, हम जैसा किसी से बिहेव करते हैं वैसा भगवान जी हमें डेफिनेटली वापस करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।